देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो ये कौन बोल रहे हैं बच्चों? ये बोल रहे हैं लेखक नागार्जुन, जो बोल रहे हैं कि वो अभी तक हिमालय को बहुत दूर से देखे थे। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो तब तक, जब तक वो हिमालय को दूर से देखते थे, तो वो उनको लगता था कि वो बड़े ही गंभीर से है, शांत से है, अपने आप में मस्त है, पूरा आराम से है अपने आप में। ठीक है, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती है। तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर महिला की तरह वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है उनको। किसको? लेखक नागार्जुन को। अपने प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो जब तक लेखक उस धारा के मूल भाग को, जो जहाँ से वो धारा शुरू हुआ है, उस भाग को नहीं देखे थे, जहाँ तक कि वो रास्ते पे ही देखे थे, ठीक है, तब तक उन्हें लगता था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। कौन? वो नदियों का धारा। और जब भी वो नदियों के धारा में डुबकियां लगाते थे, नहाते थे, उस पानी के अंदर जाते थे, तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई माँ, दादी, मौसी या मामी के गोद में वो खेल गए हो, ठीक है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ देर कुछ और रूप में सामने थी। तो जब तक उन्होंने अब इस बार, पहले उनको दूर से देखा तो बहुत शांत और सम्राट महिला के भांति उनको प्रतीत होता था, नजर आता था, लेकिन अब जब वो आकर हिमालय के कंधे पर चढ़े हैं, तब उनको ये प्रतीत हो रहा है, कुछ अलग ही रूप से उनको प्रतीत हो रहा है, कुछ अलग ही रूप उनके सामने आ रहा है। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाते हैं। तो जब लेखक के सामने इन पहाड़ियों का, इन हिमालय, इन नदियों का नया रूप आया, तो उनको वो सोचने लगे कि ये विशाल, ये इतने बड़े पहाड़, ये विशाल अपने मैदानों में जब बहते हुए जा रहे हैं, तब वो इतने छोटे और इतने मासूम, इतने सतलुज, मतलब इतने समतल कैसे हो जाते हैं। पहले वो पास जाकर देखे तो ये इतना विशाल, इतना बड़ा कैसे है, ठीक है। तो इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इसकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर, जहाँ पर शुरुआत होता है, जहाँ से वो शुरू होते हैं, वहाँ पर खिलखिलाकर हंसना, ठीक है, विशाल होकर बहना, उछल कूद करना, ये खिलखिलाना, हंसना, ये सारे जब मैदानों पर बहते हुए जाते हैं, तो वो कहाँ खो जाता है। मैं जब तक दूर से देख रहा था तो ये ऐसे नहीं थे, लेकिन जब मैं आकर इन्हें पास से देख रहा हूँ, तो इसका तो कुछ रूप कुछ अलग ही है। इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक बोल रहे हैं कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी फूल की कली को ध्यान देखता हूँ, जब भी मेरा ध्यान उनके ऊपर अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और इतना विस्मय नजर नहीं आता है मुझे, जितना आज मुझे इन बेटियों का बाल लीला देखकर हो रहा है। कहाँ ये भागी जा रही है, वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। हमने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक ये कहते हैं कि विराट पिता का नाम यहाँ पर हिमालय को दिए हैं लेखक, ठीक है, और उन, ये जो सारे नदियां हैं, लेखक हिमालय को पिता और सारे नदियों को हिमालय की बेटियां के नाम दिए हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम जो है हिमालय की बेटियां, ठीक है। तो लेखक ये बोल रहे हैं कि ये जो इतने बेचैन, इतने बड़े पिता हिमालय
सुविधा को पाकर भी इन नदियाँ इतने बेचैन हो रहे हैं, तो कौन इनको संभाल सकेगा? ठीक है, तो इनके हृदय हृदय इतना अतृप्त है कि कौन इसको मिटा सकेगा, इनके हृदय को कौन टटोल सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, मतलब खाली सूखा पहाड़, ठीक है, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मतलब छोटे छोटे जो पत्थर जैसा होते हैं पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जिसको घाटियाँ बोलते हैं। बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, मतलब बहुत सारे हरा भरा उपत्यकाएं, पेड़ पौधे, इनकी लीला है निकेतन। इनकी लीला मतलब अपरंपार जो बोलते हैं ना, नहीं बोला जा सकता। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, नीचा, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिला होगा। तो ये सारे जो नाम यहाँ पर दिया गया है, ये एक एक जंगलों का नाम है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। तो पता नहीं इन नटखट बेटियां जो उछल कूद करते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन मैदानों में आकर ये चुपचाप हो जाते हैं। तो ये सारे जो नदियां हैं, कौन जाने लेखक इन बेटियों के बारे में, इन नटखट बेटियों के बारे में कितना ढूंढता, मतलब क्या क्या नहीं करते होंगे हिमालय पर्वत जो पहाड़ी है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक बोल रहे हैं कि बड़े बड़े घाटियों, बड़े बड़े पहाड़ों में जाकर अगर पूछा जाए तो सिवाय विराट चुपिया, मतलब चुपचाप, बड़ा सा शांति के अलावा उनके जवाब में, उत्तर में उनको और कुछ नहीं मिलता था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। तो ये जो मैंने जो भी पढ़ा अभी, ये सारे नदियों के नाम है और नदियां क्या है, हिमालय की बेटियां हैं, जो कि लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। तो ये यहाँ पर बोला गया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो दो नदियां हैं, वो आपस मतलब अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय मतलब हिमालय पर्वत के पिघले हुए थोड़े थोड़े बूंद से लेकर इकट्ठा होकर ये नदी प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो लेखक बोल रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय, इतने बड़े हिमालय की दया से और उनके बेटियों का नाम पाने का श्रेय उनको मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। इनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बेटियां बनकर ये कैसे खेला करती है। तो इन्होंने मैदानों में ही देखा होगा, मतलब खुद वहां पर जाकर ही देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बेटियां, तो वो जो नदियां हैं उनके उनके दिमाग में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोदी में बेटियां बनकर खेलना कितने सौभाग्य की बात है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षित भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वो रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो
लेखक ये बोल रहे हैं कि बूढ़ा हिमालय की ये जो बेटियां हैं जो नंग धड़ंग मतलब अपने अपने पिता के गोदी में खेलते हुए नजर आते थे, इन बालिकाओं को रूप पहाड़ी आदमियों को तो देखकर शायद कुछ अलग सा नहीं लग रहा होगा, आकर्षित नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत आकर्षित लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमालय को ससुर बनाने के लिए समुद्रों को दामाद और हिमालय को ससुर बताना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रपति बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो कालिदास के विरही यक्ष ने उन्हें मेघदूत से ये कहा था कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारे ये प्रेयसी मतलब प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, मतलब खुश होगी, तुम्हें पाकर अवश्य ही खुश हो जाएगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो लेखक बोल रहे हैं कि कालिदास ने जो भी बोला था लेखक को उस बात याद आया और वो भी सोचने लगे कि शायद उस लेखक को भी मेरे जैसा नदियों का सचेतन रूप देखना पसंद था, इसीलिए वो ऐसे लिखे हुए थे। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। दरअसल जो भी नदियां पहाड़ी घाटियां को जुदा जुदा अलग अलग होकर देखेगा तो वो भी यही नतीजों पर पहुंचेगा, उसे भी यही प्रतीत होगा, उसे भी यही लगेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, नदियों को लोक माता जन साधारण के माता कहा गया है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? माँ बनने से पहले उनको हम बेटियों की नजर से देखेंगे तो क्या हर्ज है, तो क्या दुविधा है, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? तो थोड़ा पहले हम बेटिया के बारे में सोचेंगे, उनसे आगे हम उन्हें प्रेमिका के बारे में सोचेंगे। ममता का एक और भी धागा है जैसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान भी दे सकते हैं हम उन्हें। हाँ, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, लेखक बोल रहे हैं कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लीड की बात है, तिब्बत की बात यह है कि मन अचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, मन थोड़ा घबरा रहा था, तबीयत भी थोड़ा खराब हो रही थी। किसकी? लेखक। ठीक है, तो सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, दोपहर का समय था हा? तो पैर लटका दिए पानी के अंदर पैर डाल दिए थे, कौन? लेखक नागार्जुन ने। ठीक है, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, थोड़ी ही देर में उनको ये प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि जल में उनका दोनों पैर डूबा हुआ है और उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जो गति से बह रहा है उस जल ने उसके ऊपर असर डाल दिया था, तन और मन ताजा हो गया तो गुनगुनाने लगे। तो जैसे कि मैं पहले ही बोली कि उनके तबीयत ठीक नहीं थी, मन थोड़ा घबरा रहा था, जैसे कि दोनों पैर वो अपने उस पानी में डाल दिए थे तो अचानक ही उस पानी का असर लेखक के ऊपर पड़ा, उनके तबीयत और मन दोनों भी ठीक हो गया और वो बैठे बैठे गाना गुनगुनाने लगे, जो गाना यहाँ पर है अभी सुनो। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जो वो सतलज
पार्ट में जो भी है वो गाने के मतलब एक कविता के आकार में वो बोले कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जय हो, लीला तुम्हारी अपरंपार है, लीला तुम्हारी बहुत ही अपरंपार है, अजरज है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, मतलब मुझे मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मैं तुम पर जाऊं बलिहारी, मतलब मैं तुम्हें देखते ही रहूं, तुम कैसे हिमालय की बेटियां बनकर कितने अच्छे तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें हिमालय की जैसे इतने बड़े पर्वत की बेटियां बेटी बनने का मौका मिला, और बाप तुम्हारा चिंतित बैठा हुआ है समुद्र को, तुम समुद्र को ससुर, हिमालय को ससुर बनाकर समुद्र को दामाद मैं बनाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये सारे बातें बोल बोलकर कवि एक लेखक एक कविता के आकार में गा रहे थे।